केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में किसान और बागवान किसान सम्मान निधि योजना से लाभ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस मदद से उन्हें कृषि व बागवानी कार्यों में मदद मिली है। इससे मतलब लोगों के मतलब छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। अब जैसे सिलेंडर है, बिजली के बिल है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की छोटी मोटी किताबें हैं, तो इससे मतलब पूरे भारतवर्ष को कहेंगे हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं। इन्होंने जो स्कीम चलाई है बहुत ही ऐसे टाइम चलाई जबकि लोगों को मतलब जरूरत है। किसान निधि का जो पैसा है 2,000 रुपये वो हमारे खाते में टाइमली पड़ रहे हैं, इसके लिए हम केंद्र सरकार व मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही ये आर्थिक सहायता कोरोना काल में भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। किसानों और बागवानों ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। दो किस्तें हमारे खाते में किसान निधि योजना की आई है और जिससे हमारे बाग बगीचे के लिए कुछ मदद हो पाई है, जैसे कोई दवाइयाँ या कोई इमरजेंसी कोई भी जरूरत है, छोटी मोटी जरूरत है, अपने जो है बागवानी के खर्चे इससे निकल रहे हैं। 2,000 जो मेरे खाते में पड़े हैं उसका मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश भर में अब तक करीब 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से ये योजना जरूरतमंदों का सहारा बनी है। DD News के लिए रोहडू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।